क्रिएट क्वायरी विथ डिस्क्रिप्शन इक्वल टू एंड विथ कंटेंट। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हम सर्वे पे डिस्कस कर रहे हैं, तो देखें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ गए हैं, जिसमें हमारे पास ट्रीज हैं हम और लाइट पोल हैं, और इसके अलावा मैन होल वाल्व है, वाटर वाल्व है, बहुत सारी चीजें। हम अगर आप हमारे लास्ट 8 लेक्चर जो सर्वे के बारे में देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमने कितने पॉइंट यहाँ पे हमने क्रिएट किए हैं और कितने पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब इनकी कोई हम इनकी रिपोर्ट बनाए, इनकी क्वायरीज पे हम आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एक सर्वे क्वायरी। अब यहाँ पे मुझे सरफेस बनाने के लिए मुझे चाहिए सरफेस में सेपरेट, मुझे चाहिए पॉइंट इसके GL के। तो अब मैं GL के पॉइंट में कैसे लेकर आऊंगा, तो देखते हैं कि हम इसमें जाएंगे क्वायरी में और यहाँ पे मैं न्यू लिखूंगा और यहाँ पे हमने इस पे GL लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पूरा ही ग्राउंड लेवल्स और यहाँ पे मैंने ग्राउंड लेवल्स लिख लिए, और ये GL मेरा क्वायरी का नाम है, इसके साथ ये डिस्क्रिप्शन है। और इसके साथ अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये मैं पॉइंट किस तरह से देखना चाहता हूँ, बाय इसमें जो है मेरे पास लिस्ट है। मैं एलिवेशन के नाम, अगर मुझे एलिवेशन मालूम है उससे मैं सर्च कर सकता हूँ, नंबर में सर्च करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल पॉइंट, और यहाँ पे स्टार्ट एंड ना ईस्टिंग नॉर्थिंग, किसी भी तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे इजी है वो मैं थ्रू डिस्क्रिप्शन के, क्योंकि मुझे मेरे पास मालूम है कि इसका मैंने GL डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के थ्रू मैं सर्च करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास डिस्क्रिप्शन में ही सारे ले सकता हूँ। और उसके बाद इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये जो डिस्क्रिप्शन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसका वो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा जो मुझे यहाँ पे बराबर चाहिए। तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन होगी, वो इक्वल होगी यहाँ पे GL के। तो यहाँ पे फिगर्स में जाऊंगा और फिगर्स में भी मैं सेम लिखूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू ढूंढ रहा हूँ और वो बराबर होनी चाहिए। ये ऑपरेटर हमारा जो होगा वो होगा यहाँ पे इज इक्वल टू, और वो यहाँ कौन से किसके बराबर होनी चाहिए, ये GL के बराबर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने क्वायरी में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन, वो इक्वल होनी चाहिए GL के। अब डिस्प्ले इन फोल्डर में जाएंगे तो अब आपको ये सारे GL के पॉइंट आपको दिखा रहा है कि अब ये देखें 225 से लेकर ये पूरे हमारे पास जितने भी GL के पॉइंट थे वो यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, और यहाँ पे एक क्वायरी क्रिएट हो गई है। तो इसको हम करेंगे सेव क्वायरी, और यहाँ पे अगर आप बाहर भी इसको सेव करना चाहते हैं तो आप GL के नाम से इसको अपने बाहर भी आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन मुझे वहां पे नहीं चाहिए था, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो एक क्वायरी हमारी यहाँ पे अब देखें कि मेरे पास हो गई, यहाँ पे देखें ये अब मेरे पास एडिट क्वायरी में मैं जाके यहाँ पे फिर मैं दोबारा इसको डिस्प्ले में देख सकता हूँ। तो मेरे पास ये मैंने थ्रू डिस्क्रिप्शन के एक क्वायरी GL की मैंने क्रिएट कर दी है। तो अब आपने देखा कि मेरे पास ये GL के जितने भी पॉइंट थे वो क्वायरी में तो चले गए, लेकिन अब यहाँ पे देखें सिर्फ यहाँ पे GL था, लेकिन ये अब मैं अगर बिल्डिंग के पॉइंट लेकर जाता हूँ तो बिल्डिंग में बहुत सारे ऑप्शन है। देखें ये बिल्डिंग का जो मेन कोड है वो BLD है, लेकिन यहाँ इसके साथ मैंने B भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज भी लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर भी लिखा हुआ है, हमने बिल्डिंग के बहुत सारे टाइप हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसको इसमें हमने इसमें रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि अब इस कंडीशन में हम कोई और तरीके से क्वायरी बनाएंगे, तो हम जाते हैं क्वायरी में और सेम पहले हम बना के देखते हैं कि BLD, और ये हमने एक क्वायरी क्रिएट कर दी है नई क्वायरी। तो पहले हम करके देखते हैं कि ये बिल्डिंग ही लिखते थे, यहाँ पे हम टाइम नहीं जाया करते, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो पॉइंट है वो किस तरह से होने चाहिए, ये मैं सेम डिस्क्रिप्शन में पहले ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं इक्वल टू ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको BLD करके, और इसमें पहले मैं जाता हूँ फिर मैं इसको सही करता हूँ। तो जाते हैं अभी यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे
बिल्डिंग। अब डिस्प्ले में देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ बिल्डिंग के 4 पॉइंट आए हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट इसमें BLD 2, BLD 3, BLD 4 और उसके अलावा रेक्टेंगुलर और ये सारे कोई भी पॉइंट नहीं आया है, तो हम इसको जाएंगे एडिट करेंगे। मुझे इक्वल टू नहीं चाहिए अभी इस कंडीशन में, मुझे चाहिए कंटेन में, क्योंकि ये इसमें कंटेन का मतलब इसमें ये मौजूद हो, ये पॉइंट BLD किसी में भी मौजूद हो तो वो मुझे डिस्प्ले में दिखा दे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ गए, यहाँ पे देखें BLD 4, 3 और यहाँ पे जितने भी पॉइंट BLD जिसमें जिसमें भी लिखा हुआ है वो सारे BLD आ गए। तो अब ये जो क्वायरी है मेरी, ये हमने क्रिएट की है कंटेन के साथ, लास्ट हमने की है डिस्क्रिप्शन के साथ और ये हमने की है कंटेन। इसमें क्यों कंटेन के साथ, कि ये पॉइंट जो डिस्क्रिप्शन है इसके साथ हमने सिविल 3D के कुछ एडिशनल कोड लगाए हुए हैं, तो वो कोड लगाने की वजह से हमें इसको बहुत सारे पॉइंट नहीं ले सकते और अलग अलग क्वारी बनानी पड़ेगी। अगर एक ही पॉइंट क्वारी बनानी है तो जिस जिस में भी बिल्डिंग हो ये बना देगा और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और सेव फाइल नहीं करते हैं और अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब ये यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये दूसरी क्वारी भी बन गई है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 2 क्वायरी ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं। और तो अब हम जानना जाते हैं और देखते हैं कि लाइट पोल और राउंड अबाउट या ट्री LP और राउंड अबाउट के लिए मैं दोनों पॉइंट में अभी एक में ही डालना चाहता हूं, क्योंकि इसके सिर्फ 3-4 पॉइंट हैं और बाकी LP के ज्यादा पॉइंट हैं। और इसमें LP में देखें कोई स्टार नहीं, बिगनिंग नहीं, रेक्टेंगुलर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ क्वायरी है जो कि सिविल 3D के कोड लगे हुए, इसमें HTW कुछ भी लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे 2 किस्म की होगी, न्यू क्वायरी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ LP और राउंड अबाउट, LP और RA, ये दोनों। और ये यहाँ पे मैं फुल डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ फुल डिस्क्रिप्शन में, और आप खुद ही लिख लें। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं जाऊंगा और किस तरह से मैं पहला डिस्क्रिप्शन में और इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि मैं लाइट पोल भी मेरे पास और कुछ भी इसके साथ नहीं है, डिस्क्रिप्शन सिविल 3D का कोड नहीं है, तो मैं इसमें सिंपल LP लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन और ये भी इक्वल टू और यहाँ पे भी मैं LP लिख लेता हूँ। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो मैं एंड को R कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे R चाहिए, ये मुझे डिस्क्रिप्शन में चाहिए और यहाँ पे मैं कंटेन लगाऊंगा और राउंड अबाउट RA Roundabout। अब यहाँ पे कंटेन क्यों लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ पे हमारे कुछ सिविल 3D के कोड लगे हुए हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे RA लिख दिया है। और अब मैं जाता हूँ नीचे भी फिगर्स में, और ये पॉइंट्स में था, अब मैं फिगर्स में भी यहाँ पे मैं सेम डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कंटेन और यहाँ पे मैं इसको लेकर जाता हूँ राउंड अबाउट। तो अब मैं डिस्प्ले में देखता हूँ कि मेरे पास राउंड अबाउट के देखें RA जिस जिस में भी था, आन कर्व था, CIR, ये वो सारा कुछ लेकर आए और इसके साथ लाइट पोल भी लेकर आए। तो इस तरह से मैं अगर 2 भी एक साथ पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ किसी डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ मिलते जुलते जैसे मेन होल होते हैं और इस तरह, तो दोनों कंटेन में डाल के और मैं राउंड जैसे मैन होल, सिवरेज और स्टॉर्म वाटर और रोड गलीज, तो ये सारे मैं एक ही में डाल सकता हूँ। डिफरेंट थोड़े कोड होते हैं लेकिन इस तरह से थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से मैं एक और भी क्वायरी क्रिएट कर सकता हूँ जिस तरह ये की है, और उसके बाद सेव कर देंगे। अगर सेव करना चाहते हैं तो सही है, नहीं है तो आप इसको क्लोज कर दें। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास लाइट पोल और राउंड अबाउट की भी क्वायरी बन गई है। तो ये तरीका होता है क्वायरी क्रिएट करने का। अगर आप इससे भी ज्यादा और कोई क्वायरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें कि अगर हमने जो भी क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे अगर कोई नंबर्स, यहाँ से मैं नंबर देता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मुझे इक्वल टू चाहिए या इससे लेस देन चाहिए, या मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख लेता हूँ 100 है मिसाल के तौर पे, तो 100 से मुझे अबो चाहिए तो मैं लिख लूंगा
ग्रेटर देन 100 के, तो इस तरह से मैं नंबर के साथ क्वायरी बना सकता हूँ। और भी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरह से आपकी हर चीज सेपरेट हो जाएगी। लेस देन 100 ये भी मैं कर सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 100 से और उस 100 प्लस से भी मैं कर सकता हूँ, या कोई भी नंबर हो तो इस तरह से मैं इनकी क्वायरीज में क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इनकी क्वायरी बनाने के बाद हमें इनका क्या यूज होता है और इस तरह से इनके क्या फायदा है, इसको थोड़ा नेक्स्ट में हम यूज करके देखते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।